सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे गेम शो केबीसी में शुक्रवार को शोले रीयूनियन होने वाला है। हिंदी सिनेमा के इस आइकॉनिक फिल्म को 46 इयर्स पूरे होने के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी और बसंती हेमा मालिनी केबीसी में खास मेहमान बनकर शामिल होने वाले हैं। रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी शोले के जय यानी अमिताभ बच्चन के साथ गेम खेलेंगे, साथ ही इस फिल्म की यादें ताजा करेंगे। सोनी ने शानदार शुक्रवार एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें हॉट सीट पर रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी बैठे नजर आ रही है। प्रोमो में अमिताभ बच्चन असरानी के किरदार जेलर की नकल करते नजर आते हैं और उन्हीं के अंदाज में हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है बोलते हैं, तो हेमा मालिनी का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। शो में तीनों लोग मिलकर शोले की मेकिंग और बिहाइंड द सीन्स के बारे में कुछ दिलचस्प और जानकारियां साझा करेंगे। इस मौके पर हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन अपने सुपरहिट गाने दिल भर मेरे पर परफॉर्म भी करेंगे। निर्देशक रमेश सिप्पी अमिताभ और हेमा मालिनी के साथ शोले के कुछ यादगार दृश्यों को रिक्रिएट करवाएंगे। दोनों सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट शो में जो भी राशि जीतेंगे वह किसी सोशल कॉज के लिए दान दी जाएगी। बता दें कि शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में फ्लॉप रही फिल्म ने कामयाबी की ऐसी दास्तां लिखी जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में दर्ज हो गई। एक पुलिस ऑफिसर और खूंखार डाकू के बीच दुश्मनी और बदले की इस कहानी में धर्मेंद्र ने वीरू और अमिताभ बच्चन ने जय का किरदार निभाया था। हेमा मालिनी बसंती और जया भादुरी राधा के रोल में थी। फिल्म कथा पटकथा सलीम जावेद ने लिखी थी, संगीत आर डी बर्मन ने दिया था। शोले का एक एक किरदार आज भी दर्शकों के जहन में बसा है। ठाकुर के रोल में संजीव कुमार, गब्बर सिंह के किरदार में अमजद खान, जेलर बने असरानी, सुरमा भोपाली के रोल में जगदीप हो या फिर सांबा के रोल में मैक मोहन और कालिया के किरदार में वीजू खोटे। दृश्यों और संवादों में इन किरदारों को इस तरह पिरोया गया है कि रोल की लंबाई कम होने के बावजूद ये किरदार यादगार बन गए।